गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वेलकम टू योर थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे मु तुमको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई थी और सेकेंड क्लास रे फाराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई थी. आउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, आउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कही थी. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रे तुम्हार से जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन्स सेटा वर्तमान तुम्हार सीएचएसई सिलेबस रे स्पेसिफिकली नहीं, किंतु दैट इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तेणु से तुम पढ़ी देव. आउ जो इलेक्ट्रो जेहेतु तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीटा आम पूरा पढ़ा सरी से यहाँ रिव्यू हो तेणु इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो जिनस गुड़ाक तुम फास्ट इयर जाच से जिनसा कहनी. वी आर स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम योर इलेक्ट्रोलिसिस. तेणु इलेक्ट्रोलिसिस देन फाराडेज लॉ, फाराडेज फर्स्ट लॉ आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. हेला सो दिस इज यू सी राइट डाउन द स्टेटमेंट फाराडेज लॉ. दिस इज द डायग्राम फॉर फाराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो यू डू द डायग्राम देन वी विल राइट द स्टेटमेंट एंड आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन. तले व्हाट इज द फाराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. आर यू क्लीअर? ताले जदि आम एटी मुझे तीन टा इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल नहीं, गोटे है AgNO3 सल्यूशन, एक्वस सल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज एक्वस सल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दिस इज एसिड रिलेटेड वाटर, दैट इज वाटर विथ सल्फ्रिक एसिड. सो सेम ये तीन टा इलेक्ट्रोलाइट रो सल्यूशन नहीं. Now same quantity of electricity is passed through the electrolytes connected in series. ei electrolyte guda ko ame series connection kariche. tale jodi same quantity of electricity ame pass kariba through all these three electrolytes, tale jo amount ra substance deposit hobo ba liberate hobo at the electrodes, electrodes la cathode ba anode, tale electrodes re jo amount ra substance deposit hobo ba liberate hobo that is directly proportional to the equivalent mass of the substance. हेला तले जो सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जते डिपॉजिट हबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. हेला बुझी पालो? तले एटी देखो सीरीज कनेक्शन हेची, तीनटा इलेक्ट्रोलाइट्स आई हैव टेकन इन थ्री वेसल्स, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड एसिड रिलेटेड वाटर. हेला तले फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट. What is the statement? When the same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series the masses of the substances deposited or liberated एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
they are equivalent masses. हला ताहले जदि आमे सेम क्वांटिटी रो इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सीरीज रे जोडा कनेक्शन हेचंती आमे तांको थ्रो रे जदि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करिबा ताहले द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मासेस ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर डिपोजिटेड और जो मास ऑफ सब्सटेंस जो सब्सटेंस रो जति की मास डिपॉजिट हबो अमाउंट डिपॉजिट हबो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास ताले द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे आर इक्विवेलेंट मासेस हला ताले जो सब्सटेंस रो जति की मास डिपॉजिट हबो वा लिबरेट हबो सेडा का संगे प्रोपोर्शनल ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास संगे रे प्रोपोर्शनल हला बुझ पालो ताले वर्तमान देखो आमे नेइचे कोन-कोन सॉल्यूशन आमे जो तीनटा इलेक्ट्रोलाइट नेइचे ताले गोटे नेइचे AgNO3 आ गोटे नेइचे कॉपर सल्फेट आ गोटे नेले एसिडुलेटेड वाटर हला बुझी पालो ताले वी हैव टेकन थ्री वेसल्स इन वन वेसल वी हैव टेकन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन अदर वेसल वी हैव टेकन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड एन अदर वेसल वी हैव टेकन एसिडुलेटेड वाटर एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन लेट क्यू बी एटा लिखी दबो वी हैव टेकन थ्री सॉल्यूशंस दैट इज AgNO3 सॉल्यूशन थ्री डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ थ्री इलेक्ट्रोलाइट्स AgNO3 कॉपर सल्फेट एंड एसिड रिलेटेड वाटर इन थ्री डिफरेंट वेसल्स एंड दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज सो लेट क्यू बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स हला ताले लेट अगेन लेट W1 इज द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड U1 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर हला W2 इज मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड E2 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हला एंड W3 इज एसिड रिलेटेड वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड E3 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन हला बुझी पालो ताहले वर्तमान आमे बिकर वन रे नेले सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन वेसल रे वेसल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड वेसल थ्री एसिड रिलेटेड वाटर एज सोन इन द डायग्राम डायग्राम टा मु फास्ट जो करथिली वर्तमान सेटा लिभेई दैछी तेणु एटा हला वेसल वन वेसल टू वेसल थ्री ताले द मास ऑफ द सब्सटेंसेस आमे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यू पास कले तीनटा जाक इलेक्ट्रोलाइट देके जो माने सीरीज कनेक्शन हेइथिले ताले W1 हला जदि मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आ W2 हला कॉपर सल्फेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और लिबरेटेड आउ हाइड्रोजन W3 हला मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड एंड E1 E2 E3 आर दे आर करेस्पोंडिंग इक्विवेलेंट मासेस देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेकेंड लॉ कौन हम
Now W1 is to W2 is to W3 is equal to E1 is to E2 is to E3. The masses of the substances deposited or liberated, that is proportional to their equivalent masses. तले सब्सटेंस जहाँ रो मास है ला W1 डिपोजिटेड लिबरेटेड इक्विवेलेंट मास E1 सेमती जहाँ रो W2 E2 W3 E3 हला कोरेस्पोंडिंग आमे लिखी चाहिए थी एम को मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एंड देयर कोरेस्पोंडिंग योर रेस्पेक्टिव इक्विवेलेंट मासेस हला बुझी पाल तले वर्तमान दैट इंप्लाइज W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 by E2. Yes or no? Similarly, देखो W1 by W2 that will be equal to E1 by E2. Similarly, W2 by W3 is equal to E2 by E3. हला According to Faraday, second law, W1 by W2 is equal to E1 by E2, W2 by W3 is equal to E2 by E3. But according to Faraday's first law, Faraday's first law, W1 proportional to Q. Yes or no? According to Faraday's first law, the mass of the substances liberated or deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Tale here Q is the quantity of electricity passed through the electrolyte. W1 is amount of substance. It is that chame Ag taku silver taku. Tale W1 is equal to Z1Q. Where Z1 is a constant that is called electrochemical equivalent of the substance 1. तले एटी कौन नहीं चाहिए वन टाकू सिल्वर तले इटा जो दी अमाउंट ऑफ सब सिल्वर डिपोजिटेड और लिबरेटेड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर हला बुझ पाल लो Z1 इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एटी हम W1 टाकू नहीं चाहिए कौन सिल्वर हला ऑफ सिल्वर हला सिमिलरली W2 that is copper is proportional to Q that is W2 is equal to Z2Q. Hello, bujh pallo. Then again W3 eta hala hydrogen hala W3 is proportional to Q so W3 is equal to Z3Q. Hello, bujh pallo. Tale bartaman dekho. So, e pota likhi douchi. So, W1 by W2 is equal to Z1Q by Z2Q that is equal to Z1 by Z2. देखो W1 by W2 that is Z1Q divided by Z2Q that is Z1 by Z2. Similarly W2 by W3 is equal to W2 टा कौन है ला Z2Q divided by W3 that is Z3Q. So that is equal to W2 by W3 is equal to Z2 by Z3. Same quantity of electricity हमें पास करते हैं Q, है ना?
ताले वर्तमान आमे सेकंड लॉ को यूज करके पाइले W1 by W2 is equal to E1 by E2 and W2 by W3 is equal to E2 by E2 by E3. फर्स्ट लॉ को यूज करके आमे पाइले W1 by W2 that is equal to Z1 by Z2 and W2 by W3 is equal to Z2 by Z3. That implies ताले सो देखो W1 by W2 that is equal to Z1 by Z2 that is equal to E1 by E2. Hello, that implies W1 by again W2 by W3 that is equal to Z2 by Z3 that is equal to E2 by E3. Hello. ताले द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दिस मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे आर इक्विवेलेंट मासेस हला बुझ पाल ताले दिस इज योर फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस Now we will solve some problems using this expression. मुझे पढ़ लो फरारे सेकेंड लो फास्ट लो कौन थी ला नया द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड लॉ है ला व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज द मासेस ऑफ सब्सटेंसेस जो जो सब्सटेंस रो हमें इक्वल जो जो इलेक्ट्रोलाइट रो हमें इक्वल सॉल्यूशन नेचे द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दे आर इक्विवेलेंट मासेस हला बुझ पाल ताले वर्तमान गोटे न्यूमेरिकल लेख गोटे क्वेश्चन लिख व्वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट वाज फास्ट simultaneously throw acidulated water and copper sulfate solution and copper sulfate solution the weight of hydrogen and copper liberated the weight of hydrogen and copper liberated are Point 0132 and 0.4164 grams respectively. Question is, calculate the equivalent mass of copper. Calculate the equivalent mass of copper. बुझी पारल ताहले तुमको कौन देइछि क्वेश्चन रे
when an electric current was passed simultaneously, ता माने acid related water और copper sulphate solution that these two electrolytes are connected in series. हमारो इलेक्ट्रिक करंट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ताले वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉपर लिबरेटेड एटा हला कॉपर वेट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एटा हला वेट ऑफ कॉपर लिबरेटेड ताले तुमको बाहर करिया को पड़िबो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर फ्रॉम दिस गिवन डाटा ताले गिवन डाटा रु हमको इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाहर करिया को होचे ताले इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल वी विल हैव टू अप्लाई फैराडे सेकेंड लॉ एक्सप्रेशन यस और नो सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ second law W1 by W2 is equal to E1 by E2 where W1 is mass of hydrogen liberated and W2 is mass of copper liberated E1 is equivalent mass of hydrogen and E2 is equivalent mass of copper ताले वर्तमान देख तुमको कौन कौन गिवेन अच्छी डब्ल्यू वन मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज 0.01232 ग्राम 0.0132 ग्राम देन डब्ल्यू टू मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड दैट इज 0.4164 ग्राम हला गोटे हला 0.0132 ग्राम गोटे हला 0.4164 ग्राम देन इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 हला देन एडा यू नो दैट इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 देन यूजिंग दिस थ्री डाटाज वी विल फाइंड आउट व्हाट इज ई टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एटा हमको जानिबा दरकार हला ताले वर्तमान देखो हमर दरकार कोन ई2 सो ई2 इज इक्वल टू E1 W2 divided by W1 E2 is equal to E1 W2 divided by W1 ताले E1 is 1 and W equivalent mass of hydrogen that is 1 W2 mass of copper deposited 0.4164 divided by mass of hydrogen liberated that is 0.0132 so solving this you will find out that 31.52 will be the equivalent mass of copper hala tale e2 that is equivalent mass of copper will be 31.52 so in this way using faraday's law second law of electrolysis expression if the masses of the substances liberated or deposited at the electrodes are given and the equivalent mass of one substance you know then the equivalent mass of another substance you can find out using this expression right hello now we will solve another problem write down the question the same current was passed through AC related water and a solution of copper sulfate
ला एसी रिलेटेड वाटर आउ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दे के सेम करंट वाज पास्ट एंड इट लिबरेटेड टू जीरो थ्री एम एल ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट एनटीपी मेजर्ड एट एनटीपी एंड डिपोजिटेड पॉइंट 5.78 ग्राम ऑफ कॉपर है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास वेट ऑफ कॉपर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ताले वर्तमान देख केमती एटा सॉल्व करिबा देख कौन कौन क्वेश्चन आम तो जाचे आम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दुटा इलेक्ट्रोलाइट निहे वर्तमान कौन कौन दे तुमको ना 2-3 एम एल ऑफ हाइड्रोजन एन टी पी लिबरेट कला के 2-0-3 एम एल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट है आउ डिपोजिट है के ग्राम कॉपर ना 0.578 ग्राम ऑफ कॉपर तुमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर जानवर अच्छे ताले वर्तमान देखो आमको पूर्व क्वेश्चन ले आमको कौन थिला मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड ग्राम रे दे थिला ताले एठी गोटे ग्राम रे दे छी गोटे एमएल रे दे छी ताले वर्तमान आमे बाहर करिबा वेट ऑफ और मास ऑफ 203 एमएल ऑफ हाइड्रोजन कहीं के ना आमे एमएल नै कि यूज करिके न्यूमेरिकल सॉल्व करि परिबा नाही आमको कॉपर रो ग्राम दे छी कहीं के ना आमको मास ऑफ द सब्सटेंस बाहर करिया को पड़िबो लिबरेटेड और डिपोजिटेड एडी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दे छी लिबरेटेड तेणु आमको आगे आपको एतिक वॉल्यूम हाइड्रोजन रो वेट केतिक बा मास केतिक आमको बाहर करिया को पड़िबो ताहाले वी नो अकॉर्डिंग टू फाराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फाराडे सेकंड लॉ अनुसार वर्तमान आमको कौन ना W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 W1 आम नहीं गले कौन ना मास ऑफ इटा आम बाहर करवा है हाइड्रोजन लिबरेटेड इटा बाहर करवा जी क्वेश्चन आम इटा बाहर करवा W2 है मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड दैट इज इक्वल टू केते देइची ना 0.578 ग्राम दैट इज गिवेन एज 0.578 ग्राम E1 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 एंड E2 इज इक्विवेलेंट मास ऑफ तुमको मागी छी कोन इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ताले तुमको W2 गिवेन अच्छी है आउ E1 तुम्हें जानीच E2 तुमको बाहर करियार अच्छी ताले वर्तमान देख ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन जानी लो जानीच वन ताले तुमको ऐ जो जदि आमे वर्तमान जानी जिबा मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड जानी गले आमे एक्सप्रेशन सब वैल्यू पुट करिकी इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर पाई जिबा ताहले केमिति आमे इठु मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड ता जानीबा ताहले वर्तमान देख एठी मेड क्वेश्चन ता लिभे दउची
ताले देखो आमे जानीचे 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी वेट केते 2 ग्राम आर यू क्लियर जते बेले तमे पढ़ी छो मोल कांसेप्ट सेते बेले आमे कौन पढ़ी छे ना 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एनटीपी रे तारो वेट टा कहा संग्रह समान ना तारो मॉलिक्युलर वेट संग्रह समान ये सर नो हला जे कोनो से आमे गैस नेले जदी आमे एनटीपी नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन आमे मेंटेन करी छे ताले 22.4 लीटर ऑफ गैस दैट विल हैव मास इक्वल टू इट्स मॉलिक्युलर मास हला बुझी पार लो ताले हाइड्रोजन लो मॉलिक्युलर मास केते 2 हाइड्रोजन लो एटॉमिक मास हला 1 मॉलिक्युल रे दुईटा एटम अछंती सो मॉलिक्युलर मास ऑफ हाइड्रोजन हला 2 ताले 22.4 लीटर हाइड्रोजन रो वेट केते रहूची ना 2 ग्राम ताले 22. दैट इंप्लाइज 22 हमको एटी एमएल क्वेश्चन ले केते एमएल दीची ना 2003 एमएल ताले 22400 एमएल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी वेट इज इक्वल टू 2 ग्राम ताले 1 एमएल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी तार वेट हैला 2/22400 दैट इज पॉइंट एडा तमे जानी थिबो मने रखी थिबो 400 दैट इज पॉइंट 409 ग्राम हला बुझी पाललो ताले वर्तमान देखो वर्तमान क्वेश्चन ले आमर कौन देची ना 203 ml ऑफ हाइड्रोजन ताले 203 ml ऑफ हाइड्रोजन वेट केते हबो ना 0.00009 इनटू 203 दैट इज इक्वल टू केते ग्राम ना 0.01827 0.01827 ग्राम बुझ पाल तमें एटी मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड केते पाई गले 0.01827 ग्राम ताले मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड पाई गले मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड पाई गले इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन हमें जानी छे इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाहर करियो आउ कोन हला बुझ पाल ताले वर्तमान एठी लेखो सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दैट इज E2 इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू W2 E1 डिवाइडेड बाय W1 ताले W2 केते थिला तमरो ना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड थिला केते ना 0.578 E1 हला इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन W1 हला मास ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एठी केते बाहला 0.01827 ताले फाइनली इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाहरिबो केते ना 31.63 हला दिस सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू विल बी 31.63 सो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हला बुझ पाल ताले जदी तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन ले ग्राम रे गिवेन अछि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड देन डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल किंतु जदी तुमको एमएल फेमेल देछि हाइड्रोजन केस रे हाइड्रोजन एठी जेमती देला ताले ताकु तमे से एमएल वॉल्यूम टा रो वेट केते बाहर करिवो हला बुझ पाल ताले दिस इज अनदर क्वेश्चन Another question, when 0.0 when a current of 0.75 ampere is passed for 45 minutes 45 minutes through a metallic salt solution
metallic salt solution and the cathode was found to have gained in weight by 0.6662 gram what is the equivalent weight of metal So this problem I am giving you numerical. You try to solve this problem. It is based on Faraday's law. Now in the next class we will solve some problems using both Faraday's first law and second law. So let's see. I am Faraday's second law. Before that, I am going to tell you. First law already you know. So in the next class, I am application of electrolysis. Study. Now this numerical that I am going to do. Otherwise, I will solve it in the next class. So thank you.